अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी और हम लेक्चर वगैरह भी ले लिए थे। अभी ना यहाँ पे लगा हुआ था किसी डिपार्टमेंट का ना साइंस कॉम्पिटिशन, ना उनके प्रोजेक्ट्स लगे हुए थे यहाँ पे। तो मैंने और मलाइका ने कहा यार हम भी चलो देखते हैं, थोड़ा सा कंटेंट ही निकाल लेते हैं। तो चलें आपको भी मैं दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला हमारे पास था वो था रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ऑफ कोर्स मैंने मलाइका ने कहा यार चलो यहाँ से ना, यहाँ से पता नहीं क्यों स्मेल सी आ रही थी बुरी सी। फिर ये हम लोग दूसरे पे गए, दूसरे प्रोजेक्ट पे। तो ये अच्छा था यार, प्यारा बना हुआ था। आप लोगों को कैसा लगा? ये है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर तीसरा हमारे पास था ग्रीन हाउस इफेक्ट, और यार ये भी इतना अच्छा था, सिमिलर लग रहा था वो इलेक्ट्रिसिटी वाले से। तो हम लोग ये DNA पे था, ये बहुत प्यारा लग रहा था यार, कितना प्यारा लग रहा घूमते हुए। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था ना इनका प्रोजेक्ट, वो इनका था, क्योंकि उन्होंने गाजरें मूलियाँ और ये सारा कुछ रखा हुआ था आगे, जो आपको नज़र भी आ रहा है। तो बहुत अट्रैक्ट कर रहा था लोगों को, बहुत ज़्यादा रश भी इधर ही था। आई डोंट नो ये इनका टॉपिक क्या है, फूड पायरामिड है आई थिंक या ह्यूमन हर्ट है, दो थे ना, तो समझ नहीं आ रहा था। खैर हम लोग यहाँ से जाते हैं और अगला प्रोजेक्ट देखते हैं। तो वो था ओम्स लॉ। लिटरली मुझे ये फिजिक्स याद आ गई और बड़ी बुरी तरह याद आ गई, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी फिजिक्स। किस किस को पसंद है फिजिक्स यार। प्रोजेक्ट्स वगैरह देख के फिर हम यहाँ से निकलते हैं अपने घरों की तरफ। यूनिवर्सिटी से फ्री होके मैं आ जाती हूँ हॉस्टल। हॉस्टल आते मुझे ख्याल आ जाता है यार मैंने तो बैंक जाना था, शिट, क्योंकि फ्राइडे भी था तो बैंक बंद ना हो जाए, मुझे ये भी था। तो मैं यहाँ से निकलती हूँ, फिर से भी मुझे आ जाती है घर से कॉल। मैं वहाँ बात करी होती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि छुट्टियाँ हो रही हैं तो मैंने घर आना, तो घर आते मैं तुम लोगों के लिए क्या कुछ लेके आऊँ। सो लेट्स गो, पहले चलते हैं बैंक। बैंक में पहुँचते यहाँ पे बहुत लंबी कतार थी। तो फिर हम यहाँ से फ्री होते, फ्री होके मुझे जाना था री एजेंसी, क्योंकि री एजेंसी से मुझे काफ़ी कुछ लेना था आगे, मुझे काफ़ी कुछ प्रिपरेशंस करने, ये आपको नेक्स्ट आते हुए व्लॉग में भी पता चल जाएगा। और मैंने गिफ्ट्स आज पैक भी करना, बहुत सारे काम है। तो लेट्स गो। यहाँ पे पहुँच के मुझे सबसे पहली चीज़ अट्रैक्ट करती है वो है की चेन्स। यार ये बहुत प्रिटी है यार, लुक कैट द टेडी बियर, छोटू सा क्यूटू सा। सारा कुछ देख के चीज़ें वगैरह मैंने ले ली थी, मैंने आपको दिखाई नहीं क्योंकि मैं आगे जाके दिखाऊंगी। यहाँ से मैं फ्री होती हूँ, ये मैंने चीज़ें कुछ ली हैं खाने पीने की भी ऑफ कोर्स। तो बहुत फन होने वाला है, नेक्स्ट व्लॉग्स में मेरे साथ बने रहिए। और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और कमेंट करे। तो चलते हैं हम हॉस्टल और बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं। सो लेट्स गो। हॉस्टल आके मैं करती हूँ रेस्ट, रेस्ट करके शाम में फिर मैं और रुज बाहर निकलते हैं। रुज को कुछ बाहर काम था, यूनिवर्सिटी के कैश एंड कैरी जाना था हम लोगों ने, और मुझे करनी थी एक वीडियो शूट। तो वो मैं शूट करने के लिए मैं यूनिवर्सिटी आती हूँ, क्योंकि अच्छी लोकेशन भी मस्ट होती है। हम चलते हैं पहले कैश एंड कैरी। कैश एंड कैरी आके यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे स्लीपर्स पड़े होते हैं बच्चों वाले, रुज को चाहिए होते हैं उसके अपने नेफ्यू के लिए। और मैं यहाँ पे फ्लेक्स मारते हुए मैं यहाँ से कुछ चीज़ें सेलेक्ट करती हूँ बर्थडे के लिए, चीज़ें वगैरह। फिर हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमारा काम शाम ख़त्म हो चुका होता है। और यार ये बुर्ज हुरैरा था ये बंद हो गया, पता नहीं क्यों। जैसे अच्छी चीज़ें मिलती थी लेकिन काफ़ी महंगी होती थी, लेकिन खैर सानू की। हम भी लड़के होते हैं ना, हम भी हॉस्टल से फ्री हो के यहाँ आते। अरे कहना क्या चाहते हो? हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखें आज भवरे आके रूठ गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं। मैं बना रही हूँ असाइनमेंट, क्योंकि हमें एक मिली हुई थी असाइनमेंट। और सिंपली क्या करना है, हमने बस कॉपी पेस्ट मारना है। और मैं कर रही हूँ यहाँ पे गिफ्ट्स पैक अपनी दोस्तों बहन भाइयों के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है मतलब इतने एफर्ट्स लगाना। मिलते हैं आपको गिफ्ट्स पैक कर। 5 minutes later। सो गाइस गिफ्ट मैंने कर लिए पैक, ये आप देख सकते हैं। अब ये तो खुलने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें है क्या चीज़, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं हम, चाय शाय पीते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल ये इतना ही था। भाई कितने प्यारे लग रहे हैं यार, कौन बताए, मेरी पैकिंग तो ना जाएगा लेकिन बड़े दिल से किया मैंने। ओके फिर हम मिलते हैं आपको चाय पे। सो गाइज आज का व्लॉग बस इतना ही था, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। होपफुली मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे होंगे, मैं बहुत एफर्ट्स डाल रही हूँ
तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और बने रहिए मेरे साथ अगले व्लॉग्स देखने के लिए. बहुत मज़े मज़े के आएंगे इंशाल्लाह. सो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.